देखिए दोस्तों, मुक्तेश्वर जाते समय हम लोगों को एक पॉइंट मिल रहा है। यहाँ से बिल्कुल हिमालयन रेंज साफ दिखाई दे रही है। धूप में चमकते हुए हिमालयन रेंज के ये बर्फीले पहाड़, ये मन को मोह लेने वाले हैं। ये देखिए आप, पूरी रेंज आपको दिखाई दे रही है। देखिए ध्यान से, दोस्तों जैसा कि हमने सोचा था कि रास्ता उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होगा, बट अगर देखा जाए तो हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं, देखिए कितनी गहरी खाइयाँ हैं और सेफ्टी मेजर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह साइड में पूरे रास्ते में ये पैसे पत्थर इस जगह पर लगे हैं, इस तरह के पत्थर उधर नहीं लगे हैं। तो बिल्कुल ठीक, जस्ट जरा सा भी इधर उधर हुए तो बहुत ही डेंजरस है और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। देखिए इस पहाड़ के पीछे ये भी हिमालयन रेंज पूरी दिखाई दे रही है जिसमें बर्फबारी हुई है। तो बहुत ही डेंजरस रास्ता है भवाली से मुक्तेश्वर जाने का। क्यों आदित्य, कैसा लग रहा है तुम्हें? थ्रिलिंग? वो तो गाड़ी मैं चला रहा हूँ इसलिए बहुत बढ़िया चल रही है। चल बे झूठे। भाई इट्स रियली थ्रिलिंग, जबकि सेफ्टी मेजर्स उतने अच्छे ना हो तो चलाने में और भी मज़ा आ रहा है एकदम से, और इतने शार्प टर्न है कि मज़ा आ रहा है राउंड चलाने में। इट्स अमेजिंग, मैं देख नहीं सकता कैमरे की तरफ, मुझे बहुत शर्म आ रही है क्योंकि मुझे रोड पे देखना है। इस बताओ, इस व्यू पॉइंट को देखने के लिए हम लोग इतने ऊपर गए? ये तो बहुत ही टेढ़े मेढ़े और बढ़िया खूबसूरत रास्ते हैं। इन रास्तों पे कार चलाने का तो मजा ही अलग है, इवन थ्रिलिंग भी है, रियली रिस्की। ये देखो रॉक्स, ये कितनी अच्छी रॉक्स हैं। यहाँ पर रॉक स्लाइडिंग होने का भी खतरा रहता है, कभी भी कोई भी पत्थर कहीं भी गिर सकता है। तो गाइज हम लोग मुक्तेश्वर आ चुके हैं और यहाँ चौली की झाली जा रहे हैं। गाड़ी काफी पहले पार्क की है, लगभग 100 मीटर दूरी हम लोगों को पैदल कवर करनी है। उसके बाद वो पॉइंट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं चौली की झाली। लोग कहते हैं बड़ा ही डेंजरस पॉइंट है, काफ़ी ऊंचाई पर है, बहुत बड़ी चट्टान है। लेट्स सी क्या देखते हैं वहाँ पर क्या कैसा फील होता है। अच्छा, पहाड़ों पर इस तरह के दुर्गम रास्तों पर चलना अपने आप में एक बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि नॉर्मली प्लेन्स पर तो हम लोग ऐसे चलते ही रहते हैं, लेकिन पहाड़ों पर एक अलग ही अनुभूति आती है। तो अब देखिए ये कितना सुंदर सा नज़ारा है, बहुत अच्छा व्यू है, चारों तरफ आप देख रहे हैं हरियाली। तो गाइज हम लोग चौली की झाली पहुंच चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं कितनी गहराइयों में, आप गहराई देख सकते हैं कितने ऊपर आए हैं हम लोग, बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा। देखो अभी आपको और आगे दिखाते हैं। समय हम लोग चौली की झाली के हाईएस्ट पॉइंट पे हैं, जहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। इसके ऊपर जाना मना है टोटल, नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ। कहते रह गए कि यहाँ पर ऊंचा, ऊपर आना मना, ऊपर आना मना। ये देखिए ये सबसे ऊंचाई पे बैठे हुए, इसके नीचे पूरी गहरी खाई है। ये देखिए बिल्कुल माउंटेन, हम लोग चोटी पे हैं, टॉप पे। क्यों भाई इतनी ऊंचे कैसे आ गए? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है इसलिए आ गए। अरे कहाँ बैठे हो, बिल्कुल टॉप ऑफ द हिल, ग्रेट। We'll be right back.
गाइस चौली की झाली में हम लोग उतरते हुए जा रहे हैं और आप ये जो देख पा रहे हैं ये है व्यू चौली की झाली का, जो जो आप छेद नुमा देख रहे हैं, यहाँ पर एक होल देख रहे हैं। इस होल की ये मान्यता है कि अगर किसी महिला को पुत्र प्राप्ति या संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, पुत्र या पुत्री की प्राप्ति, और वो क्लाइम करके इस होल से निकल जाती है तो उसको निश्चित रूप से पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है। तो ये महादेव का वरदान है और आप इसको देख पा रहे हैं। ओहो वेरी डेंजरस, यहाँ तक आना, आपको मैं आगे से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये है वो होल, इस जगह से लोग चढ़ करके जाते हैं महिलाएं, और अगर इस होल से धीरे से पास हो गई और उधर से निकल गई तो मनौती पूरी होती है। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है और खाई देखिए कितनी गहरी है, यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए खाई है, खाई बच्चों का खेल नहीं है। अरे तो पीछे हटो ना, तुम भी तो बच्चे ही हो। अरे शेर हमेशा खाई पे ही रहता है। ये देखिए वो है, वो जो देख रहे हैं आप, ये वाला होल है। देखिए अब वक्त है महादेव के दर्शन करने का, और आप देख सकते हैं कि रास्ता कैसा है, बहुत ही जटिल रास्ता है मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। तो हम सभी जा रहे हैं, चलते रहिए। करीब 200-300 मीटर दूरी पर है, तो आइए ले चलते हैं मुक्तेश्वर महादेव के टेंपल पे आपको। ये मुक्तेश्वर महादेव का रास्ता है, दुर्गम रास्ता है, पर महादेव से मिलना है तो इन दुर्गम रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। आइए नीचे से ऐसे आएगा। दोस्तों इस रास्ते से हम लोग अभी आए हैं और ये है मुक्तेश्वर महादेव, जहाँ का मंदिर, जहाँ पर शंकर भगवान ने तपस्या की थी, और इसी के नाम पर इस जगह का नाम मुक्तेश्वर है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आस्थावान जगह है, यहाँ पर आप अपनी तमाम आस्था। मंदिर हम लोगों ने देखा वो महादेवी का मंदिर था, महादेव का मंदिर ऊपर है, अब हम लोग जा रहे हैं मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर। शंकर जी ने यहीं पर तपस्या की थी, आइए देखते हैं। अच्छा 2 मिनट में कॉल करूँ, 2 मिनट अगर 2 मिनट में तो यहाँ पर मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर में हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और आप यहाँ से वो देख सकते हैं जो झाली जो हम लोगों ने देखी थी अभी, वो व्यू भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब एक बार फिर आपसे इस व्लॉग में विदा चाहता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये व्यू, ये पूरा व्लॉग पसंद आया है, ये व्यूज़ अच्छे लगे हैं, तो आप भी इसको खूब व्यू कीजिए और आगे शेयर कीजिए। और अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, क्या आपको अच्छा लगा इसमें, पूरा कमेंट करके आप हमें ज़रूर से ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर ब्लॉग, थैंक यू सो मच।